सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। लक्ष्मी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, आपकी जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। शुभ नवरात्रि। आज का पंचांग 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि शाम 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र शाम 5:14 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:55 से 9:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:30 से 12:05 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 4:23 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी, तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को महानवमी की और नवरात्रि की आखिरी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता सिद्धिदात्री की कृपा बनी रही। कन्या राशि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, खुशियाँ मनाने का समय है। आपके किसी करीबी की शादी है, इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए पार्टी में मजे करने का समय है। संचार अभी महत्वपूर्ण है। परिवार में किसी को, खासकर आपके भाई बहन को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार के साथ एक यात्रा का योग है। आप किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। बोले या अपने विचारों को साझा करें, साथ ही दूसरों की सुने। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज का दिन शुभ है। आलस छोड़ दें और अपनी गलतियों से शिक्षा लें। आप में से कुछ को थका हुआ और सुस्त महसूस हो सकता है। याद रखें, एक नया दिन नई ताकत और नए विचारों के साथ आता है। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज आप आसानी से इसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच पैसे को लेकर आज कहासुनी हो सकती है। पैसों के मामलों में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट होने की सलाह देनी चाहिए। दूसरों की खुशियां देखकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप दुनिया को सार्थक बनाएंगे। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। अपने साथी पर किया गया संदेह एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। अपने प्रिय को करना ही बेहतर रहेगा क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आज की मुलाकात में कुछ अड़चने आ सकती है। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के साथ नई योजना पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा और उचित निष्कर्ष भी निकलेंगे। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई को लेकर चल रही कोई समस्या भी दूर होगी। विदेश में स्थित लोगों को नौकरी में बदलाव करने का अवसर भी मिलेगा। पार्टनर से महत्वपूर्ण चर्चा होगी, आगे के निर्णय ले पाएंगी। अनजाना डर महसूस होने से थकान हो सकती है। जो टारगेट आपने तय किया है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकते हैं, लेकिन इन विवादों से न डरें। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बोलने की जरूरत है। अपने निर्णय किसी भी व्यक्ति पर थोपने की गलती बिल्कुल ना करें। वैवाहिक मामलों में सुख और आनंद मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ एक खूबसूरत रिश्ते का आनंद उठा पाएंगे। आज अपने प्रिय के समक्ष दिल खोलकर प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन है। सावधानियां। व्यवहारिक सोच रखें। किसी भी नकारात्मक स्थिति के बनने पर घबराने की बजाय समाधान ढूंढें।
इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में ना ही उलझें। अपनी बातचीत के लहजे में थोड़ी नरमी लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें, इससे संबंध खुशनुमा बने रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को संबंध मधुर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालना होगा। आज के दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको समय के लिए अपने करियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्ते की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपनी रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्ते का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। इस समय छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है, जिनमें आपके छोटे भाई बहन आपका साथ दे सकते हैं। अपने लवर को नजरअंदाज न करें और उसके लिए कोई उपहार जरूर लें। यह छोटी छोटी चीजें ही तो प्यार को गहरा बनाती है। पड़ोसियों के साथ तकरार हो सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आज आपका सबसे मुख्य काम है। अपने साथी से अपने प्यार जताने के लिए उसे किस आलिंगन फुल चॉकलेट या कोई खास अपने साथी के साथ हर विचार शेयर करें। महान प्रेमी पैदा नहीं होते पर सीखकर अच्छा लवर बना जा सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे, जहां एक और आपको छोटी भाई बहनों का पूरा साथ मिल रहा है, वहीं नई उम्मीदों और कई संभावनाओं से आपका भविष्य उज्जवल है। आयोजित भुगतान या धन का घाटा आपको परेशान कर सकता है। जीवन के इस नए दौर के लिए तैयार रहें। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे इजहार करना ना भूलें। इसके लिए आप आलिंगन चुम्बन और ईमेल का भी सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने काम को ना भूलें। आलस और सुस्ती से दूर रहें। खुद पर विश्वास व गर्व करें और अपने चरित्र को प्रदर्शित करें। ऐसा करने से जीत स्वयं आपके पास आएगी। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गति से आगे चलेगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर ढकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रही हैं। आपको ये याद करने की जरूरत है कि क्यों आप इस पद पर आगे की ओर बढ़ रहे थे और उसी पद पर आगे बढ़ते रहें। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में चल रहे विवादों का समाधान निकलेगा। संबंध दोबारा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले आज न लें। थोड़ी सी असावधानी से नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं सेहत की। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ेगा और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जैसे माइग्रेन या अधिक टेंशन का सामना अकारण करना पड़ सकता है। सबसे अच्छा उपाय दिन की शुरुआत एक्सरसाइज योग या ध्यान से करना रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगी। तनाव को अपनी मानसिक शांति को भंग करने न दें, फिर आपका दिन कहीं अधिक सफल होगा। आज का उपाय। आज आप माँ दुर्गा के पास 9 दीपक जलाएं और लाल रंग के चावल की ढेरी बनाकर श्री यंत्र स्थापित करें और पूजा पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।